नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ होली स्पेशल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी चकली की रेसिपी, जिसे आपको बना के दिखाऊंगी साबूदाने से, बिना मशीन, बिना सांचे का और बिना पकाए हुए, कोई भी तामझाम नहीं। और रेसिपी जो है आपका एकदम दूध के जैसे सफेद बन के तैयार होंगे। मेहमानों को खिलाएंगे तो वो जरूर पूछेंगे कि आपने इसे बनाया कैसे और किस चीज से बनाया है। आपको भी यदि बनाने हैं साबूदाने की चकली, जिसे कि आप ऐसे भी खा सकते हैं, व्रत में भी खा सकते हैं और होली के लिए भी बना के रख सकते हैं, तो सबसे पहले आप साबूदाने को जान ले कि इस चकली के लिए हमें किस टाइप का साबूदाने का जरूरत पड़ेगा। तो ये देखिए, ये बड़ा दाना वाला साबूदाना है। इससे हमारा चकली जो है बहुत अच्छा बनेगा। और एक साबूदाना होता है वो थोड़ा सा इस टाइप का, देखिए बिल्कुल बारीक बारीक सा इसका दाना होता है, देख पा रहे हैं? इस टाइप का एक साबूदाना आता है, थोड़ा शीशा के जैसा ये लग रहा है, जैसे कि कोई चीज से ये बना हुआ हो। ये साबूदाना जो है, जब आप इसको पानी में डालेंगे फूलने के लिए, तो ये बिल्कुल भी नहीं फूलता है, ऐसे के ऐसे ये रह जाता है। 4 से 5 दिन भी साबूदाने को रखा जाए पानी के अंदर, फिर भी ये नहीं फूलता है। इसको फुला के पहले हम आजमा के देख चुके हैं, ये नहीं फूलता है। तो ये वाले साबूदाने आपको नहीं लेने हैं। इस रेसिपी के लिए आपको ऐसा वाला साबूदाना लेना है जिसका कि कलर कुछ इस तरीके से सफेद सफेद सा हो। तो यहाँ पर आप साबूदाना कोई भी कप या कटोरी से नाप के लीजिएगा, जिससे कि आपको सही मात्रा पता हो इसमें कितना पानी जाने वाला है। आज जो साबूदाने की चकली बनाएंगे, उसमें ना ही हमें साबूदाने को पकाने की जरूरत है, ना ही कोई जरूरत है, ना ही किसी टाइप का इसमें मशीन साचा लगेगा। और चकली बहुत ही ज्यादा सुंदर बनता है। वीडियो पूरा देखिएगा, आधा अधूरा वीडियो नहीं देखिएगा। साबूदाने को ले लेना है एक कोई भी बर्तन में, आप इसे पहले रख ले। और हम अभी हमारे पास ये बड़ा वाला साबूदाना इतना ही बचा हुआ है, तो मैं इतना से ही आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ। और छोटे वाले है साबूदाना, लेकिन उससे ये नहीं बनेगा तो उसका इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अब इसके अंदर डालना है हमें पानी। फ्रेंड्स, होली के लिए आपको पापड़ बनाने हैं घर बैठे बैठे, तरह तरह के और एकदम आसान तरीके से। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके रख लें, क्योंकि हर रोज हमारे चैनल पर आपको पापड़ की, चिप्स की, फ्रायम्स की, चकली की, मठरी की, इस टाइप की रेसिपी ही देखने को मिलेगा। होली पास ही है, आने वाला है, पास ही आ रहा है धीरे धीरे करके। जब तक आप लोग रेसिपी बना के तैयार करेंगे, तब तक होली भी आ जाएगी। तो इसके लिए आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्री में घर बैठे तरह तरह के पापड़, चिप्स वगैरह बना के रख सकते हैं, जिसे कि आप साल 2 साल भी स्टोर करेंगे तो वो खराब नहीं होगा। साबूदाने को अच्छे से धुल लिया है मैंने एक बार पानी डाल के, बहुत ज्यादा बार इसको नहीं धोने का जरूरत है। और इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उसको सारे को निकाल देना है, इसमें कुछ भी पानी नहीं बचना चाहिए। देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी है, इसको भी निकाल देते हैं, ये वाला पानी बिल्कुल भी इसमें नहीं रखना है। और इसी तरीके से आप 1 किलो 2 किलो साबूदाने का भी बना सकते हैं, तरीका सेम रहेगा, सिर्फ आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। साबूदाने को किसी चीज से नाप के जरूर लीजिएगा, नहीं तो ये रेसिपी आप बना नहीं पाएंगे, ये बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो अभी चलिए इसे धो के साफ साफ करके अलग में रख देती हूँ और चलिए दूसरा काम कर लेती हूँ। यहाँ पर कोई भी बर्तन को आप चूल्हे पर चढ़ा दें और इसमें डालना है हमें पानी। ये वाले कटोरा से एक कटोरा ही साबूदाना है, तो इसमें एक कटोरी पानी डाली हूं और आधा कटोरी और डालूंगी। देखिए 1.5 कटोरी इससे पानी डाली हूं और 1 कटोरी भर के साबूदाना था। तो आप जिस भी बर्तन से साबूदाना ले रहे हैं, यदि एक बार ले रहे हैं तो आप उसका 1.5 गुना पानी गर्म कीजिएगा, और यदि 2 कटोरी ले रहे हैं तो आप 3 कटोरी पानी गर्म कीजिएगा। आप समझ गए होंगे। अब पानी को अच्छे से तेज उबाल आने तक गर्म होने देना है। गैस की आंच को तेज कर दी हूं, पानी कुछ ही मिनट में, कुछ ही सेकेंड में ये अच्छे से उबल जाएगा। देखिए पानी अच्छे से उबल रहा है, थोड़ा देर इसको उबलने दीजिए।
पानी बहुत अच्छे से अब उबल चुका है, तो अभी कर देना है गैस को बंद और पानी को चूल्हे से नीचे उतार लेना है। और अभी देखिए साबुदाने को धो के रखी थी, तो साबुदाना हमारा थोड़ा थोड़ा सा भीगा भीगा सा आपको लग रहा होगा। अभी क्या करना है कि साबुदाने को अच्छे से इस तरीके से दबा देना है नीचे की ओर, और इसमें डाल देना है उबलता हुआ पानी जो अभी गर्म करके आपको दिखाई हूं, सारे पानी को इसमें डाल देना है। तो एक कप में 1.5 कप पानी डाली हूं, तो आप इसी तरीके से जितना बनाना चाहते हैं उतना आप बना सकते हैं, कम ज्यादा जैसा आपको पसंद है जितना बनाना है। तो अभी इसमें ढक्कन लगा देना है, ढक्कन अच्छे से पैक करके लगाइएगा, जो इसमें भाप है अंदर में ही रहे, बाहर ना निकले। तो ढक्कन को अच्छे से बंद करके और पूरे रात के लिए इसे छोड़ दीजिए। जब भी आप साबुदाने को फूलने के लिए डालें तो रात के समय में ही फूलने के लिए दे दें, जिससे साबुदाना बहुत अच्छे से फूल के सॉफ्ट हो जाता है और आपका जो चकली है वो सूखने के बाद भी नहीं टूटेगा, बहुत ही अच्छा खस्ता बन के तैयार होगा। फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं और भी हमारे पापड़ की रेसिपी आपको देखने हैं तो यूट्यूब पर जाके सर्च कर लें मी सहेली पापड़ रेसिपी, आपको बहुत सारे पापड़ के रेसिपी मिल जाएंगे। आपको जो भी पापड़ का वीडियो अच्छा लगेगा तो उस टाइप से आप वीडियो देख के पापड़ बना ले, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इसे छोड़ देती हूँ रात भर के लिए और अगले सुबह आपको दिखाती हूँ चकली बना के। तो साबुदाने को पूरे रात के लिए छोड़ दी थी ढक्कन लगा के ढक के, और देखिए साबुदाना जो है बहुत अच्छे से फूल चुका है और जो पानी इसमें डाला गया था पूरा पानी, पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें पानी भी डाला हुआ है। देखिए साबुदाना हमारा बहुत अच्छे से फूल के तैयार हो गया है। जितना अच्छा से ये फूला रहेगा उतना ही अच्छा जो है आपका रेसिपी बन के तैयार होगा, देख पा रहे हैं। पानी का आप ध्यान रखेंगे, जैसे पानी आपको बताई हूँ डालने का, बस उतना ही पानी डालिएगा, ना ही ज्यादा पानी पड़ना चाहिए और ना ही कम। तो अभी क्या करना है कि साबुदाने को हमें डालना है मिक्सर जार में और इसको बहुत अच्छे से एकदम बारीक करके पीसना है। छोटे वाले जार बड़े वाले जार आप किसी में भी पीस सकते हैं, और ध्यान रखिएगा कि अच्छे से ये पीस जाना चाहिए, जरा सा भी इसमें दाना ना बचे, दाना बचेगा तो वो खाने में कड़ा लगेगा। तो चलिए इसमें ढक्कन लगा देती हूँ और पहले बिना पानी का ही पीसिए, क्योंकि इसके अंदर काफी मात्रा में पानी भरा हुआ है, और यदि लगे कि बहुत ज्यादा गाढ़ा है पीस नहीं रहा है तो आप एक आध चम्मच पानी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर साबुदाने को देखिए बहुत अच्छे से पीसती हूँ, और इसको पीसने में एक भी चम्मच पानी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा था, तो ये बहुत अच्छे से पीस गया है। पानी का जरूरत पड़ेगा तो बाद में इसमें डाला जाएगा, लेकिन अभी इसमें पानी का जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ा, अच्छे से ये पीस गया है, बारीक भी हो चुका है, कोई भी दाना इसमें नहीं बचा। अब साबुदाने को हमें दूसरे बर्तन में निकाल लेना है। इसी तरीके से अच्छे से इसमें निकाल लेती हूं। अभी इसमें डालना होगा हमें नमक, नमक थोड़ा सा कम ही डालिए, बहुत ज्यादा नमक नहीं डालिएगा नहीं तो इसका टेस्ट बिगड़ जाता है ज्यादा नमक होने से। और अभी इसको अच्छे से फेंटना है हमें, जैसे जैसे फेंटेंगे ये थोड़ा सा लूज होता चला जाएगा, और इतना फेंटिएगा कि एकदम से ये चिपचिपा सा हो जाए। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में फैमिली मेंबर में वीडियो को शेयर भी करेंगे। आप व्रत के लिए भी इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर नमक व्रत वाला डालिएगा, व्रत में भी इस टाइप की रेसिपी आप खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए जैसे जैसे इसको फेंट रहे हैं ये फूला फूलते जा रहा है, और देखिए काफी चिपचिपा सा भी होते जा रहा है। यदि ये बहुत ज्यादा गाढ़ा लगेगा तो आप इसमें एक आध चम्मच पानी डालिएगा, तो जैसे कि अभी मैं पानी इसमें डालने वाली हूँ 1 चम्मच, तो जार में ही पानी ले ली हूँ जो लगा है इसमें साबुदाना, वो भी अच्छे से इसमें आ जाएगा। 1 ही चम्मच पानी डाली हूँ, और फिर से हमको फेंटना है इसे, थोड़ा देर के लिए फेंटते हैं और पानी का जरूरत होगा तो और इसमें पानी डाला जाएगा, जिससे कि आप जब चकली बनाए तो बहुत ही अच्छे से बने, बिल्कुल भी आपको दिक्कत ना हो। तो साबुदाना जो है बहुत अच्छे से फिट चुका है, और देखिए कि कितना गाढ़ा आपको रखना है, कुछ इस तरीके से, देख पा रहे हैं आराम से गिर रहा है, बहुत ज्यादा गीला नहीं कीजिएगा नहीं तो चकली एकदम चिपकू चिपकू सा बनेगा, पतला पतला सा बनेगा और वो खाने में
अच्छा नहीं लगेगा, उसके अंदर बहुत ज्यादा तेल भर जाएगा। तो इसको इतना ही गाढ़ा रखिएगा। और इसको मिक्स करने में मात्र एक चम्मच अलग से पानी इसमें डालना पड़ा है, और बाकी का जो साबुदाने के साथ पानी डाला गया था बिल्कुल उतना ही है। बस अभी फेंटने में एक चम्मच पानी का इस्तेमाल की हूँ, क्योंकि पीसने के बाद ये थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा हो गया था। अब सारे बैटर को आप चाहें तो पाइपिंग बैग में भर सकते हैं, या चाहे तो घर का कोई भी खाली पॉलीथीन में आप इसको डाल सकते हैं। तो चलिए मैं पॉलीथीन में इसको डालती हूँ। पॉलीथीन को ग्लास में डाल दीजिए और बहुत अच्छे से ये इसमें भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए इस तरीके से करके डालना है। बिना मशीन बिना सांचे का बना के दिखाने वाली हूँ, और दूध के जैसे सफेद ये चकली बन के तैयार होता है, और कोई भी झंझट नहीं है। एक बार आप समझ जाएंगे बनाने का तरीका तो बार बार बना के रखना चाहेंगे। तो चलिए सारे अच्छे से इसमें डाल देती हूँ। पॉलीथीन में डालने के बाद इसको एक तरफ कोना की तरफ ले आइए, और ये जो ज्यादा सा निकला हुआ है इसको कट करके हटाना है। ये रहेगा तो फिर आपको चकली बनाते नहीं बनेगा, और इसमें कट करना है। तो बहुत ज्यादा मोटा नहीं कट कीजिएगा, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं कट करना है, क्योंकि चकली बहुत ज्यादा पतला बनाएंगे तो सूखने के बाद और भी वो पतला हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसका आकार ऐसे गोल मटोल सा कर दें, जो कट कर रहे हैं उसको थोड़ा सा गोल मटोल सा कर दें। अब चलिए आपको चकली बना के दिखाती हूँ। चकली बनाने के लिए आप कोई भी पॉलीथीन ले लीजिए और इसके ऊपर हल्का सा तेल लगा लीजिए। अब यहाँ पर देखिए चकली बनाना स्टार्ट करते हैं। बिना मशीन बिना सांचे का आप बना के तैयार कर सकते हैं चकली, और साबुदाने के चकली को हमें बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं बनाना है, कुछ इस तरीके से छोटा छोटा। देखिए ये कितना आराम से बन रहा है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। आप जब चाहे बना के तैयार कर सकते हैं। आप साबुदाने को बहुत अच्छे से फेंट लीजिएगा फिर बनाइएगा, नहीं तो हो सकता है कि साबुदाना आपका अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तो फिर चकली बनाने के बाद सूखने के बाद ये टूट सकता है। एक एक स्टेप को आप याद करके फिर आप चकली बनाएं, और बनाने के बाद खा के बताइएगा कि कैसा लगा आपको साबुदाने की चकली खा के। आप बड़े बड़े भी चाहें तो बड़े बड़े भी बना सकते हैं, और देखिए कितना अच्छा से ये बन रहा, बिल्कुल भी टूट नहीं रहा है। तो चलिए सारे बना लेती हूँ और सूखने के लिए डाल देती हूँ। जब ये सूखेगा फिर मैं आपको सूखने के बाद दिखाऊंगी। तो देखिए साबुदाने का चिप्स चकली सूखने के बाद कुछ इस तरीके का बन के आया है, और आपको काले वाले बर्तन में दिखा रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि ये कितना सफेद बना है। एकदम दूध के जैसे सफेद देखिए, और एक भी चकली आपका नहीं टूटेगा नहीं फटेगा, देख पा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा। अभी आपको फ्राई करके दिखाती हूँ, तब इसका देखिएगा साइज कितना बड़ा हो जाता है फूल के। तेल अच्छे से गर्म है, अब इसमें डालना है चकली। देख पा रहे हैं कितना अच्छा से ये फूल रहा है। तो इसके लिए छोटा छोटा ही चकली बनाने के लिए बोली थी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फूलता है, फूलने के बाद इसका साइज जो है एकदम डबल हो जाता है। और कलर देखिए कितना ही अच्छा, एकदम दूध से सफेद बनके तैयार हुआ है। आप इसके ऊपर चाहें तो कोई मसाला डाल के खा सकते हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।